दोस्तों व्हाट्सएप लगातार फेक न्यूज़ को रोकने के लिए काफ़ी अलग अलग एक्सपेरिमेंट और नए नए फीचर अपने व्हाट्सएप ऐप पर ला रहा है। तो ऐसे ही एक नए फीचर अभी व्हाट्सएप ने हाल ही में ही बीटा यूज़र के लिए लॉन्च किया है, तो इस वीडियो के अंदर हम इसी नए फीचर के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टैक्स से संबंधित वीडियोज़ डालते रहते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, काफ़ी खतरनाक है, तो घर पे रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो चलिए बात करते हैं इस नए फीचर के बारे में। तो अभी जो ये नया फीचर आया है सिर्फ और सिर्फ बीटा यूजर के लिए ही है, और भविष्य में इसको सभी लोगों के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास जो फॉरवर्ड होकर मैसेज आया है, आपको पता नहीं है ये मैसेज सही है या फिर गलत है, तो अभी आप जान पाएंगे वो जो मैसेज अभी आपके पास आया है फॉरवर्ड होकर वो सही है या फिर गलत है गूगल की मदद से। तो बेसिकली ये जो नया फीचर है इसके तहत क्या होगा कि जब भी आपके पास कोई भी फॉरवर्ड होकर मैसेज आएगा, सिंपली ये एक टेक्स्ट मैसेज रहेगा। अगर टेक्स्ट में कोई भी लिंक आ रहा है या फिर किसी वीडियो URL फॉरवर्ड होकर आ रहा है तो उसमें अभी तक ये फीचर अवेलेबल नहीं कराया गया है, लेकिन अगर टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड होकर आया है तभी जाके ही आप इस फीचर का लाभ उठा पाएंगे। तो मान लीजिए आपको किसी ने कुछ मैसेज टेक्स्ट मैसेज फॉरवर्ड करके भेजा है, तो उसी फॉरवर्ड के ठीक राइट साइड पर आपको एक सर्च का आइकन अभी से दिखने को मिल जाएगा, और उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ही वो जो मैसेज फॉरवर्ड होकर आपके पास आया है उसको आप गूगल पे सर्च कर पाएंगे। यानी कि जितना भी टेक्स्ट रहेगा उस फॉरवर्ड वाले मैसेज पर वो ऑटोमेटिकली उस सर्च वाले बटन पर क्लिक करने से ही गूगल के जो वेबसाइट है google.com वहाँ पर चला जाएगा और वो सर्च होकर आ जाएगा। और वहाँ से आप जो भी सर्च रिजल्ट आएंगे उसको देखकर आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा पाएंगे कि वो जो मैसेज आपके पास फॉरवर्ड होकर आया है वो सही है या फिर गलत है। तो बेसिकली यही है इसका कॉन्सेप्ट कि जब भी आप क्लिक करेंगे और वो जो टेक्स्ट मैसेज रहेगा वो ऑटोमेटिकली गूगल पर सर्च हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फीचर काम करेगा इस व्हाट्सएप के नए फीचर में। तो आपका क्या राय है इस फीचर को लेकर, क्या ये फीचर फेक न्यूज़ रोकने में मदद करेगा या नहीं, ज़रूर हमें कॉमेंट करके बताइएगा। और जब ये फीचर अवेलेबल हो जाएगा सभी लोगों के लिए, आपके पास भी इसका अपडेट आ जाएगा। और अगर आप बीटा यूजर है तो बीटा वर्जन 2.20.110 का जो बीटा वर्जन है उस पर ये फीचर डाल दिया गया है। तो अगर आप भी व्हाट्सएप के बीटा यूजर है तो आप अपने व्हाट्सएप जो मैसेंजर है उसको अपडेट करके इस फीचर का लाभ उठा पाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, उसके अलावा फीचर भी कैसा लगा है आप हमें कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस tech360zone.com यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और आप भी घर पर रहिए, फैमिली को भी घर पर रहने के लिए फोर्स करिए। स्टे होम, वी सेफ, बाय बाय।